गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से जल्दी बताइए, आपको आवाज़ आ रही है? मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो आज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन है और आज हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इम्पॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि बहुत एक्सप्लेनेशन वाले, बहुत दिमाग चलाने वाले क्वेश्चन हैं और इसीलिए मैं इस क्लास का जो नाम है टॉप 20 हिस्ट्री क्वेश्चंस है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें निकलेंगी लेकिन साथ के साथ चीज़ों को रिलेट करके जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे और उसके साथ साथ जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी जो एक्सप्लेनेशन के साथ पॉइंट्स जुड़ते हैं एग्जाम के लिए वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और इस सेशन को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है? सो माई नेम इज़ डॉक्टर विपन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस होती हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 1,44,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स, PDF सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। कोई एग्जाम है, पेपर है तो आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हों तो यहाँ पे सेंड कर सकते हो। जिस तरीके से आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जितने भी टॉपिक्स हैं आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 MCQ पेड कोर्स। इसमें जो है विपन 30, ये कूपन कोड लगा के आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा और आज डबल वैलिडिटी ऑफर भी है। और ये डबल वैलिडिटी जो ऑफर है ये आपका 31 जनवरी तक है। 31 जनवरी मतलब इसके बाद जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब 1 फरवरी से प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे और प्लस जो है डबल वैलिडिटी ऑफर भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं। इसमें मैंने स्टैटिक जीके का पार्ट भी डाला हुआ है, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के स्पेशल फोल्डर्स भी डाले हैं और इसमें मॉक टेस्ट भी डाले हुए हैं यहाँ पे, मॉक टेस्ट, क्लियर? तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, अनलिमिटेड चीजें मिलेंगी यहाँ पे। और आज इसके अंदर मैं 6 वीडियोस डालने वाला हूँ, जो 3 तो मेरी पेंडिंग चल रही थी क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट के सोल्यूशन नहीं डाले थे, वो मॉक टेस्ट सोल्यूशन आज डल जाएंगे और 3 वीडियोस और भी आएंगे। और लगातार अभी जो है अगेन मेरा वही रूप देखेंगे पेड कोर्स में, और यूट्यूब पे भी तो देखते ही रहते हैं लेकिन पेड कोर्स में मैं बहुत सारी चीजें नहीं ऐड करने वाला हूं, तो आप बने रहना इस चीज के साथ, ठीक है? और आज मॉक टेस्ट के सोल्यूशन भी आएंगे, आप अटेम्प्ट करना। जीएस कोर्स की बात करते हैं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी है। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? StudyIQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को दबाओ, जैसे ही आप दबाएंगे जीएस कोर्स तीसरे नंबर पे दिखेगा, 10,000 MCQ कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, क्लियर? और जो बच्चे आप में से UPPCS की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी नया पेड कोर्स मेरा लॉन्च हो चुका है तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए जी, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। चलिए जी, फटाफट आंसर दीजिए, स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से समझना है और फिर इसका आंसर देना है आपको। द डिमांड फॉर द तिभागा पेजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर, जो तेभागा मूवमेंट है आपकी उसमें इनकी बंगाल के अंदर हुई थी ये मूवमेंट, ये हुई कब थी? 1946-47 में, 1946-47 में ये मूवमेंट देखने को मिली थी बंगाल में। और पेजेंट का मतलब यही होता है किसान आंदोलन है ये, ठीक है? और जैसा कि आपको पता है किसान आंदोलन मेनली जब हमारी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो हमेशा होते थे शेयर के लिए होते थे। मतलब क्या होता था, या तो अंग्रेज ज़्यादा टैक्स लगाते थे या फिर जो लैंडलॉर्ड होता था उसके पास ज़्यादा शेयर जाता था। और किसान, ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसान प्रोड्यूस कर रहा है, अगर 100 चीज़, 100 रुपए की चीज़, 100 चीज़ें प्रोड्यूस कर
कर रहा है, तो उसमें से क्या होता था, मैक्सिमम 70-75 इतनी जो चीजें होती थी वो चली जाती थी टैक्स में या लैंडलॉर्ड के पास चली जाती थी। किसानों के पास, बेचारों के पास 20-30 रुपए बचते थे, 20-30 प्रोडक्ट बचते थे। तो मतलब मेजर चंक जो ले जाते थे वो आपके लैंडलॉर्ड ले जाते थे या फिर अंग्रेज ले जाते थे। तो ये तेभागा मूवमेंट भी इसी चीज के लिए है। सो व्हाट इज तेभागा मूवमेंट? सो द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू द वन थर्ड। सो दिस इज फॉर द दिस वन, ठीक है, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। मतलब पहले 50% शेयर लेते थे और ये कह रहे थे कि आप 33% शेयर लीजिए, यानी कि वन थर्ड शेयर लीजिए, तो ये बात हुई थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। शेयर के लिए बात करी गई थी, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन, क्लियर। सो दिस इज ए तेभागा मूवमेंट, और यही थी आपकी जो आपकी डिमांड थी वो वन थर्ड करनी थी, ये मेन डिमांड थी इनकी तेभागा मूवमेंट बंगाल के अंदर। ईयर जरूर याद रखना 1946, कई बार वो ईयर ही पूछ लेता है एग्जामिनर, सिंपल सा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। हंटर कमीशन 1882 अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, हंटर कमीशन को आपको पहले तो कंफ्यूज नहीं करना हंटर कमेटी के साथ। ये जो हंटर कमेटी बैठी थी, दिस इज फॉर द जलियांवाला बाग हत्याकांड मसैकर, उसके लिए बैठी थी, क्लियर। तो इसको हम डील नहीं करेंगे अभी, बट मैंने आपको बता दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। लेकिन हंटर कमीशन जो बैठा था ये 1882 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे बैठा था। लॉर्ड रिपन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इनको बोला जाता है। और हंटर कमीशन ने प्रोविजन क्या दी थी, प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो तेभागा मूवमेंट देखने को आपको मिली थी। सो नाउ द आंसर इज, क्या आंसर बनेगा, सो व्हाट इज दिस, यस बताइए जी, बिल्कुल। सो दिस वाज इंक्लूज द डिस्पैच ऑफ 1854 विद द ग्रेट एम्फेसिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जो है बात करना, जो है यही इनका प्रारंभिक जो है उद्देश्य था, मेन उद्देश्य ये था। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है आपका, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहां पे जो वुड डिस्पैच है, डिस्पैच ऑफ 1854, इसे हम क्या कहते थे, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा बोलते थे एजुकेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1882 दैट इज हंटर कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, ये है देखो 1882 में ये कमीशन आया था, ठीक है, जिसने यही बात करी थी कि आपका प्रॉपर तरीके से जो है आपका प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए। तो यहां पे देखो 1882 3rd Feb 1882, क्लियर। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो लॉर्ड रिपन है जिसे हम क्या कहते हैं, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। लेकिन इसके साथ उनके एक दो पॉइंट और याद कर लीजिए। एक उनके टाइम पे आया था फैक्ट्री एक्ट, लॉर्ड रिपन के टाइम पे फैक्ट्री एक्ट 1881 में, और ये क्या था, लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए जो है ये एक्ट लगाया गया था, एक्ट चलाया गया था लेबर कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। प्लस फैक्ट्री एक्ट भी था 1881 का, और दूसरी बात यहां पे क्या थी, फैक्ट्री एक्ट 1881 तो है ही है, और प्लस यहां पे जो है आपका डेट इज कौन सी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी आपकी, इल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी। इल्बर्ट कौन था, ये लॉ मेंबर था रिपन के दरबार में, एंड द कॉन्ट्रोवर्सी वॉज फॉर, कॉन्ट्रोवर्सी किस चीज के लिए थी, कॉन्ट्रोवर्सी थी जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, जुडिशियल इक्वालिटी के लिए जो है आपकी ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। एक्चुअली इल्बर्ट ने एक बिल बनाया था, उसमें बोला क्या गया था कि जो अगर यूरोपियन कोई भी कैदी पकड़ा जाता है तो ऑब्वियस बात है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, वो मैजिस्ट्रेट अगर आपका इंडियन जज भी बैठा हुआ तो वो भी उसको सजा दे देगा। इससे क्या हुआ, यूरोपियंस ने क्या किया, मतलब ऑब्वियस बात है वो क्या करेंगे, एक रिवोल्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं कि हम गुलामों के सामने नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडियंस को गुलाम समझा जाता था और थे भी उस टाइम पे हम गुलाम, ठीक है। तो अलग बात है कि हाँ, हमारे कुछ ऐसे ही लोग होते थे पढ़े लिख के, ठीक है, रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई जिसके कारण हमारे लोग जो हैं सिविल सर्विसेज में जजेस बने, बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। बट अदरवाइज वो कहते हैं कि अंग्रेज क्या कहते हैं, यूरोपियंस क्या कहते हैं कि हम आपके इनके सामने नहीं जाएंगे, गुलामों के सामने नहीं जाएंगे। तब ये चीज जो है रिवर्स करनी पड़ी थी कि हाँ, अगर कोई कैदी पकड़ा जाता है यूरोपियन तो वो यूरोपियन जज के सामने ही जाएगा, और उसके बाद अगर कोई इंडियन पकड़ा जाता है तो ऑब्वियसली बात है इंडियन जज के सामने जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। शाबाश जी,
क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन डेक्कन ऑफिशियली एक्सीडेड टू द इंडियन यूनियन इन द ईयर, मतलब क्या है, जो हैदराबाद का राज्य है वो दक्कन में हमने मिला लिया था, लेकिन कब, कौन से राज्य, कौन से ईयर में। पहली बात तो हैदराबाद के रिलेटेड मेरे दिमाग में दो तीन क्वेश्चन आते हैं। हैदराबाद वही पहली स्टेट थी जिसने सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि में साइन किया था पहली बार, ठीक है, 1798 में, और किसने चलाई थी, लॉर्ड वेलेस्ले ने चलाई थी। लेकिन अब बात यहां पे ये करते हैं कि जो हैदराबाद की जो स्टेट है इसको फाउंड आउट किसने किया था, फाउंडर कौन है इनके, दैट इज निजाम अल मुल्क, ठीक है, सो दिस वाज द फाउंडर निजाम उल मुल्क। अब बात ये है कि दक्कन में हैदराबाद को एक्सीड हमने कब कर लिया था, दैट इज इन द 1948, 1948 में जो हैदराबाद है वो भारत का एक राज्य बना था। यस, आंसर नंबर क्या बनने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर ए, 1948 इज द करेक्ट आंसर, 1948, क्लियर। सो दिस इज द हैदराबाद फोर्सेस सरेंडर टुडे, दिस इज इन द ईयर 1948, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, 1948। अगला बताइए जी, सेवा समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलाहाबाद में बनाई गई थी 1914 में। पहले तो यही क्वेश्चन में ही क्वेश्चन याद कीजिए कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सेवा सम्मति ईयर बताइए, सेवा सम्मति कहां पे स्टार्ट करी गई थी, वो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4 करके डाल के उसमें डाल देगा कि सेवा सम्मति जो है बॉम्बे में स्टार्ट हुई थी, सेवा सम्मति 1915 में स्टार्ट हुई थी, ऐसे भी डाल सकता है। पहले तो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन याद कीजिए, सेवा सम्मति अलाहाबाद में 1914 में जो है स्टार्ट करी गई थी, क्लियर। अब बात यहां पर यह है, ये किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी, यस बिल्कुल सही, तो दिस वॉज स्टार्टेड बाय द, दैट इज क्या, हृदयनाथ कुंजरू जी, आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, हृदयनाथ कुंजरू, क्लियर, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात यहां पे ये आती है कि सेवा समिति जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी, अब सेवा समिति के उद्देश्य भी पता होने चाहिए, क्या इनके लॉजिक हैं, क्या करना चाहते हैं। देखिए, सेवा वर्ड का मतलब क्या होगा, सर्विस, ये सर्विस किसकी करेंगे, लोगों की, कैसे, अगर कोई डिजास्टर हो चुका है, मतलब कोई आपदा आ चुकी है, उसके लिए जो है इनको प्रोवाइड किया जाएगा, एजुकेशन, ये सब जो है आपका बढ़ावा देंगे एजुकेशन को, क्लियर हो गया आप लोगों को, एपिडेमिक्स, एजुकेशन, और जो भी आपकी डिप्रेस क्लास है उसको रिफॉर्म करने की बात करेंगे, और प्लस जो भी आपके रिफॉर्म्स हैं, क्रिमिनल रिफॉर्म्स हैं, उसको भी ठीक करने की बात यहां पे करेंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन, क्लियर, हृदयनाथ कुंजरू इज द करेक्ट आंसर। जो हृदयनाथ कुंजरू हैं, ये मेंबर हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के, ये मेंबर हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के, ही वॉज अ मेंबर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्लियर, ये इसके मेंबर हैं, इस सोसाइटी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं ये। अब ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसने स्टार्ट किया था, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्टार्ट किया था, ये भी आपको याद रखना है। अब दोनों तीनों चीजों को लिंक करना है कैसे, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये वो हैं जो महात्मा गांधी जो हैं वो इनको अपना गुरु मानते थे, पॉलिटिकल गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले वही हैं जिन्होंने 1905 में जो है आपका सेशन था, जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले वॉज अ चेयरपर्सन, सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। एचएन कुंजरू, हरिद्यनाथ कुंजरू, फजल अली कमीशन बैठा था एक, फजल अली कमीशन, डैट इज इन द 1953, जिसके चेयरपर्सन कौन थे, फजल अली, एच एन कुंजरू एंड के एम पानीकर, ये तीनों लोग वो थे जिन्होंने क्या किया था, आपका रीऑर्गेनाइजेशन करवाया था स्टेट्स का, यानी कि पुनर्गठन करवा दिया था, जिसके कारण 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी जो है आपके बन गए थे। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर, यस हृदयनाथ कुंजरू इज द राइट वन, हृदयनाथ कुंजरू। अगला बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया जी, हाँ मैं देख रहा हूं सबके आंसर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, द क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और कमीशन। जो फेडरल कोर्ट की बात आई थी, संघीय न्यायालय की बात आई थी, वो कौन से ईयर में देखने को आपको मिली थी, फेडरल कोर्ट बनाने की जो बात करी गई थी, सो दिस वाज इन द ईयर, इन द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यस यस बिल्कुल सही, 19 जो है आपका 1935 के एक्ट में।
अब फेटल कोर्ट मतलब जहां पे आपकी सारी जो सारी शक्तियां हैं वो विभाजन की हुई हैं, अलग अलग करी हुई हैं। अब बाद में 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो फेडरल कोर्ट है कलकत्ता से बाद में कहां पे आ गई आपकी न्यू दिल्ली, जिसे हम बाद में क्या कहने लगे सुप्रीम कोर्ट कहने लगे। और ये सुप्रीम कोर्ट बनी कब थी इंडिया में 28 जनवरी 1950 को न्यू दिल्ली में 28 जनवरी 1950 में बनी थी। तो ये याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वही एक्ट है जिसका 75% हिस्सा जाने के 3/4 हिस्सा संविधान का वो इसी एक्ट से आया हुआ है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो भी आपकी जो ऑर्डिनेंस पावर थी, ऑर्डिनेंस पावर यहां पे वो किसके पास थी गवर्नर जनरल वाइसराय के पास थी। क्लियर। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी गई थी, आरबीआई बनाने की बात करी गई थी, सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी गई थी, ये सारी बातें यहां पे 35 के एक्ट में देखने को आपको मिली थी। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 35 के एक्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट दी थी क्या, इट इज ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी, इट इज ए न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर याद रखना है। अब बात करते हैं 1909 का जो एक्ट था तो उसको उसे हम क्या कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, क्या कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी है और मिंटो कौन है गवर्नर जनरल वाइसरॉय है। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में हुआ क्या था सबको पता है, सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब हिंदू हिंदू वोट, मुसलमान मुसलमान को वोट करेगा। तो यहां पर बात करी गई थी 1923 का जो ली कमीशन था, ये ली कमीशन 1923 में बना था लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो 1924 में पब्लिश करी गई थी, जिसमें इन्होंने पहली बार डिमांड करी थी पब्लिक सर्विस कमीशन की। पब्लिक सर्विस कमीशन, क्लियर ये याद रखना, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करी गई थी, इन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी 1924 में। और पब्लिक सर्विस कमीशन की जब बात करी गई 1924 की रिपोर्ट में, और ये बना कब, दैट इज इन द 1926 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आपका बना, क्लियर ये याद रखना। ली कमीशन बना 1923 में, रिपोर्ट कब का दी इसने 1924 में, रिपोर्ट में क्या बोला था पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ, और पब्लिक सर्विस कमीशन कब बना 1926 में, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आ जाओ 1919 का एक्ट, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा एक, यहां पर डायरकी लगाई गई थी प्रोविंसेस में, डायरकी इन द प्रोविंसेस प्रांतों में जो है द्वे शासन, आपकी ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर रखी गई, जो रिजर्व पावर थी गवर्नर जनरल वाइसरॉय के पास थी और जो ट्रांसफर पावर थी वो आपके इंडियंस को दे दी गई थी यहां पे। तो आंसर इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहते हैं, यस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो आपके मेंबर्स आए थे वो प्रोविंसेस से आए थे, क्या थे वो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, हमारी इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो कौन लोग थे। पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो प्रोविंसेस से लोग आए थे दे आर द इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अप्रत्यक्ष तरीके से चुने हुए लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठे थे। सो दे वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए लोग थे ये, तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। और आपको सबको पता है कि हाँ ये आप पॉलिटिकल जा सकते हैं, 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था 1949 में, 26 नवंबर इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे, 64 लाख रुपए लगे थे, 389 मेंबर थे और जिसमें 15 महिलाएं थी, 11 सेशन हुए थे, 165 दिन मीटिंग हुई थी, वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो जो मैं पॉलिटी में पढ़ाता रहता हूं आपको, क्लियर। और पॉलिटी का सेशन मिस मत करना आज शाम की क्लास में, पॉलिटी का सेशन मिस मत करना, और इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में रात को। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए जी बढ़िया क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, ये खोलेगा दिमाग आपका, मजा आएगा। विद रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन द ऋग्वेदिक आयरन एंड द इंडस वैली पीपल, देखिए पहली बात तो क्वेश्चन यहां पे याद कीजिए, आर्यंस जो आए थे वो ऋग्वेदिक काल में आए थे, ठीक है, और इंडस वैली पीपल वाले लोग अलग अलग हैं, और इसमें से क्वेश्चन बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, क्लियर करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। अब देखिए पॉइंट, पहला पॉइंट देखिए,
ऋग्वेदिक आयरन यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इन द वॉरफेयर। मतलब आपने कोई अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी हो, पुरानी मूवीज देखी हो, तो उसमें आते थे ना, घोड़ों पे आते थे और उसके बाद जो है मुकुट इतने लंबे लंबे पहने होते थे, ठीक है। वो बिल्कुल पॉइंट सही है कि आर्यंस ऐसे ही लोग थे जो आपने हॉलीवुड मूवी वगैरह देखी होगी, लड़ाई वगैरह वाली, ठीक है। उसके बाद वेयर एज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग दैम। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो वॉरफेयर में ऐसी चीजें यूज होती थी वो आपके कौन यूज होती थी, आर्यंस के टाइम पे, लेकिन इंडस वैली पीपल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। पॉइंट नंबर वन इज अ करेक्ट वन। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा पॉइंट देखिए जी, ऋग्वेदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। अच्छा चलो हो सकता है हाँ सही होगा। इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। पहली बात तो पहला पॉइंट तो मैं मान सकता हूं कि आर्यंस को यह पता था, ठीक है, लेकिन आयरन जो आपके ये लोग हैं, ये इंडस वैली पीपल, उनको तो आयरन पता ही नहीं था। आयरन तो आया है लेटर वैदिक एज में, लेटर वैदिक एज में, जो आपका 1000 से 600 BC के टाइम का है, 1000 से 600 BC का टाइम है, लेटर वैदिक एज में आया है, ना के आपके उसमें, क्लियर। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो पेपर में जब ऐसे स्टेटमेंट निकालने होते हैं ना, ऐसे निकलते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखा करो। ऋग्वेदिक वाले नहीं जानते थे, सॉरी इंडस वाले नहीं जानते थे आयरन को। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स। बिल्कुल इनके पास घोड़े होते थे। वेयर एज देयर इज नो एविडेंस ऑफ इंडस वैली पीपल हैविंग बीन द अवेयर ऑफ हिज दिस एनिमल। कैसे भाई, कैसे नहीं हो सकता। इंडस वैली पीपल में एक जगह है सुरकोतदा, इंडस वैली पीपल में एक जगह है सुरकोतदा, वहां पे हमें एविडेंस मिले थे घोड़ों के, हॉर्सेस के मिले थे। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, क्लियर। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन, ओनली वन स्टेटमेंट, आंसर नंबर वन इज द राइट वन, आंसर नंबर वन, क्लियर। क्योंकि इसमें पूछ के आ रहा है कि इसमें करेक्ट आंसर लगाइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली बात है ओनली वन ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, ओनली ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। ये क्या सी लगा रहे हो तुम लोग हैं, ये देखो अर्ली वैदिक एज में बात करते हैं इकोनॉमी की, तो डोमेस्टिकेशन यहां पे करते थे अर्ली वैदिक में, जिसे हम ऋग वैदिक भी कह देते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन करते थे, और ये इनका प्राइमरी जो है आपका ऑक्यूपेशन होता था, एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी होता था, और कैटल जो होती थी ये आपका इंपॉर्टेंट सोर्स होता था वेल्थ का, जहां पे लोग जो है ट्रेड और कॉमर्स में आपके इंगेज होते थे, जहां पे ऑक्यूपेशन जो है आपकी ये कारपेंट्री, पोटरी, क्राफ्ट, गोल्ड, सिल्वर, ये सब कुछ आपके ऋग्वेदिक एज में देखने को मिलता था, ठीक है। लेटर वैदिक एज में बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइमरी होता था, एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना वो सेकेंडरी होता था, लैंड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी आपकी वेल्थ के लिए, और ट्रेडर्स गिल्ड, गिल्ड मतलब जो आपकी एसोसिएशन बन जाती थी मर्चेंट्स की, वो बनाते थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलती थी, और प्लस जो है अलग अलग फिजिशियन, म्यूजिशियन, ये सब कुछ आपको चीजें देखने को आपको मिली थी। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, हमें पता था है, तुम्हें तो सब कुछ पता है भाई, तुम लोगों को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम लोगों को सब कुछ पता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द रियोतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। रियोतवाड़ी सेटलमेंट, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियोतवाड़ी। रियोतवाड़ी में होता था, रियोत मतलब किसान, फार्मर, ठीक है। ये इसमें क्या होता था, अकेला अकेला जो फार्मर होता था वो टैक्स भर के आता था किसके पास, अंग्रेजों के पास। और रियोतवाड़ी प्रथा जो चलाई थी 1820 में चलाई गई थी, और रियोतवाड़ी प्रथा जो चलाई गई थी ये चलाई गई थी आपकी साउथ इंडिया में, कहां पे, पहले मद्रास में और उसके बाद बॉम्बे में, पहले मद्रास एंड देन बॉम्बे, क्लियर। अब बात करते हैं 1820 में चलाई गई थी, एसोसिएट कौन कौन था, कॉर्नवालिस एसोसिएट था, नहीं, कॉर्नवालिस तो आपका परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा जिसे हम कहते हैं, जमींदारी प्रथा कहते हैं, इसके साथ एसोसिएट करता था, तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्लियर। जब पहला नहीं बनेगा तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो ऑब्वियसली बात है सीधा आंसर क्या बनेगा आपका, सी, ठीक है, सीधा आंसर आपका सी बनेगा। पढ़ते हैं, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्टार्ट करी थी, क्लियर, जिसमें एक जो है जमींदार को अपॉइंट कर दिया जाता था, वो टैक्स कलेक्ट करता था और दे दिया जाता था अंग्रेजों को, क्लियर। ये बंगाल में चली थी और एडजॉइनिंग एरियाज में। थॉमस
थॉमस मुनरो एंड चार्ल्स रीड, ये पर्सन इन्वॉल्व थे आपके, तो ऑब्वियसली बात है आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर नंबर सी। अगला बताइए जी, क्वेश्चन देखिए, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, जो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम है, ये किसके साथ मतलब क्या चीज हमें बताता है। बिल्कुल जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, काफी बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं, जब भी मैं कुछ स्पेशल सीरीज लेता हूं, जैसे ये टॉप 20 की है या टॉप 50 क्वेश्चंस लेता हूं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पेड कोर्स से होते हैं, मैं आपको बता दूं, एंड दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम द एक्चुअली फ्रॉम द पेड कोर्स, क्लियर, ये पेड कोर्स से कराए हुए क्वेश्चन है, मैं बच्चों को करवाता हूं ऐसी चीजें। देखिए जी, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, किस चीज के लिए ये प्रोवाइडेड किया गया था। पहला पॉइंट देखते हैं, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं कि उनकी पार्टिसिपेशन हमें नहीं चाहिए। आर्बिट्रेरी पावर टू द मैनेजमेंट टू क्वेल द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नहीं। एंड इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ए ट्रेड डिस्प्यूट, नो। ए सिस्टम ऑफ द ट्राइब्यूनल एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक, यस, दिस इज द एक्चुअली रीजन। एक्चुअली ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट जो था वो क्या था कि ये ट्राइब्यूनल बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें जो भी चीजें होंगी, जो मतलब स्ट्राइक्स वगैरह, उसके ऊपर रोक लगेगी और उनकी चीजों को सुनने के लिए हम अलग सी चीजें एक बनाएंगे। तो दिस वॉज अ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, क्लियर। अगर आपको याद होगा, असेंबली में बम फेंका गया था, असेंबली में भगत सिंह जी ने बम फेंका था और भगत सिंह जी के साथ गए थे बटुकेश्वर दत्त, क्लियर। और उस टाइम पे ये बिल पास हो रहा था, उस जो है आपकी जो भी सभा है उसमें पास हो रहा था, इसके लिए जो है ये बम फेंका गया था ताकि लोगों को पता लगे कि क्या चीजें चल रही हैं। समझ आया? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए अगला बताइए अगला आंसर बताइए, शाबाश। प्रोहिबिशन ऑफ द बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लियर। बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बिना नाम के, जिसका अता पता ही नहीं है हमें, दैट वाज बेनामी ट्रांजैक्शन। ए प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ए बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन, ये पॉइंट आपका गलत है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता होगा, बेनामी ट्रांजैक्शन का मतलब है कि जो जमीन है वो किसी के नाम के ऊपर है, लेकिन किसके नाम के ऊपर हमें नहीं पता, दैट इज बेनामी। और जिसके नाम के है उसको तो पता ही होगा ना कि मैंने जमीन खरीदी हुई है, ये तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लाइबल फॉर द कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट, मतलब क्या हो गया, बेनामी पाई गई संपत्तियों द्वारा सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दाई है, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सरकार कभी भी ले सकती है, बिल्कुल वो सरकार कभी भी ले सकती है। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द थ्री अथॉरिटीज फॉर द इन्वेस्टिगेशन बट डजंट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, मतलब सरकार उसको कभी भी जब्त कर लेगी। क्लियर हो गया आप लोगों को, आंसर नंबर क्या बनेगा, बी जी, बिल्कुल। और ये जो इसने बोला है ना, अपीलेट नहीं देता, मतलब हम अपील नहीं कर सकते, भाई बिल्कुल अपील कर सकते हैं, बिल्कुल अपील कर सकते हैं, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए चलिए चलिए, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमीशन ऑफ 1927 वॉज, जो बटलर कमेटी बनाई गई थी 1927 में, सो व्हाट इज दिस फॉर, मतलब किस चीज के लिए बनाई गई थी, किस चीज के लिए बनाई गई थी ये बताइए। डिफाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये गलत है, क्योंकि आपको याद होगा 1919 के एक्ट में बात कर दी गई थी, 1919 के एक्ट में प्रोविंशियल डायरकी बनाई गई थी आपकी, जिसमें पावर्स की डिवीजन कर दी गई थी, तो ये पॉइंट गलत हो गया। डिफाइन द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी की जो पोस्ट है वो 1858 में बनाई गई थी, जो कि आपका गुड गवर्नेंस का एक्ट बनाया था, रानी ने बनाया था, समझ आया।
थर्ड है इंपोज सेंसरशिप ऑन द नेशनल प्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके साथ. तो व्हाट इज दिस फॉर, ये आपका जो है रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, इसकी जो आपकी जो रिलेशनशिप है इसको अच्छा करने के लिए जो है ये बनाई गई थी. तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर डी, इट इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट. क्लियर. तो दिस वॉज द रिकमेंडेशन कि वायसराय एंड नॉट द गवर्नर जनरल इन काउंसिल शुड बी द एजेंट टू द क्राउन इन डीलिंग विद द स्टेट. मतलब राज्यों के साथ अगर डील करना है तो वायसराय डील करेगा और आगे रानी को बताएगा. क्लियर हो गया. द रिलेशनशिप डजंट शुड नॉट बी ट्रांसफर टू ए न्यू गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसेस. मतलब क्या हो गया कि जो भी कोई पावर होती थी, जो कोई भी पावर है, वो बिना आपकी प्रांतों से पूछे किसी नई जगह के ऊपर पावर नहीं दे सकते हम. दे शुड बी सेपरेट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द पॉलिटिकल ऑफिसर्स. एक ट्रेनिंग भी होगी, अलग से पॉलिटिकल ऑफिसर्स भी बनाए जाएंगे. क्लियर. द स्कीम रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ स्टेट काउंसिल शुड बी रिजेक्टेड. स्टेट काउंसिल नहीं बनेगी. और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जो है राज्य की वो डिसाइड करेगा. कौन? वायसराय डिसाइड करेगा. कोई भी डिस्प्यूट पड़ता है तो ब्रिटिश इंडिया जो है आपका उसके लिए स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी. क्लियर. और कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो है आपके सेट किए जाएंगे. तो ऑब्वियसली बात है, सो दिस इज फॉर द स्टेट एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए बनाई गई. चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है. अगला क्वेश्चन देखिए. चलिए जी, क्वेश्चन देखिए. अगेन कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग में है, करेक्ट बताना है आपको कौन सा है. राधाकांत देव, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन. ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, पॉइंट बिल्कुल सही है. गाजुलू लक्ष्मी नारासु चेटी जो हैं ये मद्रास महाजन सभा के जो हैं आपके फाउंडर हैं. ये गलत है. जो मद्रास महाजन सभा के फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? एम वीर राघवाचार्य. एम वीर राघवाचार्य. सो ही वॉज द फाउंडर. सुब्रमण्यम जी, ठीक है, सुब्रमण्यम, बिल्कुल सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं ये इनके आपके क्या है? फाउंडर हैं. तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया. जब दूसरा गलत हुआ तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया. तो मतलब जब तो पहला सही है, जब 1 and 3 सही है. सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये आपके इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर थे. ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है. तो मतलब क्या बनेगा? 1 and 3 इज द करेक्ट वन. आंसर नंबर बी इज द राइट वन. आंसर नंबर बी, 1 and 3 इज द करेक्ट वन. 1 and 3 समझ आया तुम्हें जी? 1 and 3 इज द करेक्ट वन. 1 and 3. चलिए अगला देखिए. अगला बताइए. Which one of the following was a very important seaport in the Kakatiya Kingdom? जो काकतिया राज्य है उनकी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट बताना है आपको. जो आपकी काकतिया किंगडम है जिनकी कैपिटल क्या थी? ओरुगालू. ओरुगालू. सो दिस वॉज द एक्चुअली दिस वॉज द कैपिटल जिसका जो बाद में नाम कर दिया गया था. सो डेट इज जो अब आजकल हम जानते हैं, इनको जानते हैं वारंगल के नाम से. ठीक है. सो आपको यह भी पूछा जाता है काकतिया रूलर जो है वो कहां के थे? तो वारंगल के राजा थे. अब नाउ द क्वेश्चन इज सी पोर्ट इनका जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा था? बिल्कुल सही, डेट इज मोटुपल्ली. मोटुपल्ली जो है ये आपका, सो दिस वॉज द सी पोर्ट इन द काकतिया किंगडम. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर बी. आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. आंसर नंबर बी, बहुत बढ़िया. आंसर नंबर बी क्लियर हो गया आप लोगों को. सबके आंसर गलत हैं. आपको पता लग गया होगा कि आप कितने पानी में हैं. ठीक है, आपको पता लग गया होगा कि आपको कितना आता है. समझ आया? तो ध्यान से सोचा करो, ध्यान से समझा करो. अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है जी. क्वेश्चन देखिए जी. विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो रिलीजियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है ये पूछ रहा है. पहले तो ढूंढो क्या है करेक्ट ढूंढ रहा है. पॉइंट नंबर वन. क्वेश्चन है सौत्री नतका एंड समित्या वर द सेक्ट ऑफ जैनिज्म. मतलब उनके संप्रदाय हैं, जैनिज्म के संप्रदाय हैं. गलत. तो ये जैनिज्म के संप्रदाय ना होके ये किसके हैं? ये बुद्धिज्म के संप्रदाय हैं. अर्ली बुद्धिस्ट.
अर्ली बुद्धिस्ट हैं ये, क्लियर। अर्ली जो है बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं, तो पहला पॉइंट आपका गलत। जब पहला पॉइंट गलत तो ये गलत और इन दोनों में आपका आंसर बन सकता है बी और डी में। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, सर्वसित्तवादीन हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना वर नॉट होली मोमेंटली बट एग्जिस्टेड फॉर एवर इन ए लेटेंट फॉर्म। क्लियर, ये क्या कहते हैं, ये एक फिनोमिना है दैट इज कॉल्ड सर्वस्तिवादीन, मतलब क्या होगा, सब जगह के ऊपर सब चीजें प्रेजेंट हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही मूवमेंट के लिए आपके लिए प्रेजेंट है, ये चीजें जो हैं हमेशा के लिए, ए अभी नहीं कहीं और ऐसे प्रेजेंट हैं। तो इट मीन्स, सो दिस इज द राइट वन, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी। क्लियर हो गया आप लोगों को, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर बी, यस जी, आंसर नंबर बी बिल्कुल, हाँ भाई हाँ बिल्कुल। ये जो बीच में बच्चे मैसेज करते हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हुए हैं, और ये हमारे जो पेड कोर्स है मेरा 10,000 MC कोर्स, उसमें मैंने डाले हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें उसमें डालता हूँ, जो डिफेंस के लिए भी डालने वाला हूँ, स्टैटिक जी के भी, बहुत सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिस करवाता रहता हूँ, यहाँ पे भी करवाता हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं करवाता, ठीक है। सो चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आ रहा है ना तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, बस वो चीज़ हमें मैटर करती होती है कि हाँ तुम्हें चीज़ें नहीं पता लग रही हैं, ये नहीं पता लग रही, ठीक है, तुम्हें मज़ा आना चाहिए। मज़ा मतलब ये नहीं होता कि हाँ एक क्वेश्चन आया और इसका आंसर टिक करके निकल गया कि हाँ मुझे सब पता है, ऐसा नहीं होता। मज़ा तब आता है कि जब आप परेशान भी होते हो, और वो मज़ा मुझे आता है, ठीक है ना, कि आप परेशान होते हो क्योंकि आपको आता नहीं है, तभी तो सीखोगे जब आता नहीं है। क्वेश्चन देखिए जी, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत क्वेश्चन बच्चे गलत भी करेंगे। देखिए जी, प्रिंसिपल ऑफ डायार्की, द्वे शासन, डायार्की की बात 1919 में करी गई थी मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में, जिसमें मोंटेक्यू कौन थे, सेक्रेटरी थे, और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल वाइसराय थे, क्लियर, जिन्हें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपकी दो पावर्स जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसफर पावर और रिजर्व पावर। रिजर्व पावर जो रखी गई थी वो गवर्नर जनरल वाइसराय के पास थी, और ट्रांसफर पावर जो है इंडियंस को दे दी गई थी। नाउ द पार्ट, ये क्या क्या चीजें हैं यहां पे, यस जी जी डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू द टू हाउसेस, गलत, ये पॉइंट गलत है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, गलत, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें पावर्स डिवाइड करी थी, ना कि हमने ये बताया था कि हाँ ये तुम सेंट्रल स्टेट वाली बात बताई थी। हैविंग टू सेट्स ऑफ द रूलर वन इन लैंड, ये क्या पॉइंट है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू द टू कैटेगरी, बिल्कुल यहां पे ये देखो प्रांतों में, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये डायरकी कहां पे लगाई गई है, प्रांतों में, प्रोविंसेस में, तो प्रोविंसेस में ये बात करी गई थी कि पावर्स को डेलीगेट कर दिया गया था दो जगह के ऊपर, जिसमें एक ट्रांसफर पावर थी, एक रिजर्व पावर थी। रिजर्व पावर गवर्नर जनरल वाइसराय के पास थी, और ट्रांसफर पावर जो है इंडियंस को दे दी गई थी कि आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करें, समझ आया। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, डी, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। चलिए जी, यहां पे देखो डायार्की की बात करी गई, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट जो है इन्होंने एस्टैब्लिश करेंगे, ग्रेजुअली एस्टैब्लिश करेंगे, प्लस ट्रांसफर पावर की बात करी गई, प्लस जो है आपकी रिजर्व पावर्स की बात करी गई यहां पे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो सब्जेक्ट हैं सेंट्रल स्टेट प्रोविंसेस में डिवाइड किए गए, जैसे कि सेंट्रल सब्जेक्ट जो आपके गवर्नर जनरल के पास थे, डिफेंस हो गया, करेंसी हो गया, रेलवे जो मेजर थे, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह, जो प्रोविंसेस के पास थी जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन वगैरह, ये सब चीजें लोकल गवर्नमेंट के पास थी। अब यहां पे ध्यान रखना कंफ्यूजन आपको पता कि इसमें क्रिएट होगी, ये सेकंड ऑप्शन में, कि डबल गवर्नमेंट, यहां पे डबल गवर्नमेंट ना होके पावर्स को डिवाइड किया गया था, सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड किया गया था पावर्स को, तभी तो हमने बोला कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो डेलीगेट किए गए थे प्रोविंसेस में, दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए थे, तो इसीलिए आंसर क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट वन, क्लियर। चलिए जी, अगला आंसर बताइए क्वेश्चन देखिए, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, सीधा का सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हम फैक्चुअल लगाएंगे, टिक करेंगे इसका क्या है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड जो है इलस्ट्रेटिव पेंटिंग है। पहली बात तो एक चीज देखो जी, बोधिसत्व पद्मपाणि की बात कर रहे हैं, तो मतलब बुद्धिज्म के साथ चीजें रिलेट कर रही है।
जब मैंने आपको बताया था अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम हमें क्या लगाना पड़ेगा, अजंता केव्स। क्यों अजंता केव्स? क्योंकि अजंता केव्स में जातक कथाएं हैं, जातक टेल्स हैं, यहाँ पे मुराल पेंटिंग्स हैं। क्लियर? जातक कथाएं का मतलब, जातक टेल्स का मतलब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान, जो बुद्ध भगवान के पुराने जन्म हैं वो लिखे गए हैं अजंता केव्स में। पूरी की पूरी 29 की 29 केव्स जो है, अजंता केव्स जो है, ये इसके साथ लिंक करती हैं, किसके साथ? द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध भगवान। क्लियर? एलोरा में कितनी केव्स हैं? 34 केव्स हैं, जिसमें से 17, 12 और 5 ये डिवाइडेड हैं। 17 जो है हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म के लिए हैं, और 12 जो हैं ये बुद्धिज्म के लिए हैं आपकी। क्लियर हो गया आप लोगों को? और 5 जो हैं वो आपकी किसके लिए हैं? जैन धर्म के लिए देखने को मिलती हैं। क्लियर? ये याद रखना। बादामी की अगर मैं बात करता हूं, बादामी को वातापी भी कहते हैं, एंड दिस वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य वंश। क्लियर? चालुक्य वंश की कैपिटल थी, और चालुक्य वंश के एक राजा थे पुलाकेशिन टू, जिनको हराया था। किसने हराया था? नरसिम्हा वर्मन वन ने हराया था, जो के पल्लव वंश के राजा हैं। क्लियर? नरसिम्हा वर्मन वन ने एक टाइटल लिया था, डेट इज वातापी कोंडा। वातापी कोंडा ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर वन। अगला बताओ, के मतलब गुफाएं। बच्चा कह रहा है कि केव क्या होता है, नीचे हिंदी भी लिखा हुआ था, गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? यस, इनमें से सन टेंपल के ऊपर क्वेश्चन है कि इंडिया में इनमें से कौन से फेमस सन टेंपल है, यानी कि सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर हमें हमेशा हम पढ़ते हैं, जो आपका कोणार्क जो उड़ीसा में है वो हम पढ़ते हैं, कोणार्क वाला, ठीक है। नाउ द पार्ट इज, इनमें से कौन कौन से जो है आपके मंदिर है। यहां पर लिखा हुआ है अर्सवल्ली। अर्सवल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है। अर्सवल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश में है। क्लियर? तो दिस इज ए सन टेम्पल देयर, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक प्लेटू जो है ये आपकी एक पिलग्रिमेज साइट है, पिलग्रिमेज साइट है। क्लियर? तो यहां पे जो है सन टेम्पल नहीं है। अमरकंटक प्लेटू से आपकी नर्मदा रिवर स्टार्ट होती है, जो कि जबलपुर में मार्बल फॉल बनाती है, धुआंधार फॉल बनाती है, और बाद में अरब सागर में गिर जाती है और एस्चुरी बनाती है, ये सबको पता है। क्लियर? और यहां पे थर्ड है ओमकारेश्वर टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल जो कि शिव टेम्पल है, ये मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिलता है, एंड अमरकंटक इज ऑल्सो इन द मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया आप लोगों को? बिल्कुल, आंसर नंबर वन, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट वन, वेरी गुड। चलिए, दैट इज द अर्सावल्ली सन टेम्पल, शाबाश। अगला देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है? इनको आपको स्टेटमेंट को लगाना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, फिर कौन सा इवेंट हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत देखने को आपको मिलते हैं। पहला पॉइंट है म्यूटनी इन द रॉयल इंडियन नेवी। देखिए, इंडियन नेवी में म्यूटनी जो हुई थी 18 फरवरी 1946 में आपको देखने को मिली थी, 18 फरवरी 1946, जब इन्होंने जो है जहाजों को पकड़ लिया था। और ऑब्वियसली बात है, जब जहाजों को पकड़ लिया था तो ब्रिटिश सेना जो है, ब्रिटिश सरकार जो है वो घुटनों पे आ गई थी। क्लियर हो गया आप लोगों को? एचएमएस तलवार पकड़ा था, एचएमएस हिंदुस्तान पकड़ा था, इन्होंने ऐसे जहाज पकड़े थे। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, ये 8 अगस्त 1942 को लॉन्च करी गई थी। 8 अगस्त 1942 को जो है 8 अगस्त को लॉन्च करी थी, ग्वालियर टैंक से लॉन्च करी गई थी, महाराष्ट्र से। और 9 अगस्त को किसने लॉन्च करी थी? आईएनसी ने लॉन्च करी थी, जहां पे डू और डाई, करो या मरो के नारे दिए गए थे। किसने? दैट इज बाय द गांधी जी। क्लियर हो गया आप लोगों को? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आई थी आपकी 1931 में, जिसमें आईएनसी ने रिप्रेजेंट किया था और आईएनसी की साइड से गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था। और इसी सेशन में विमेन की साइड से रिप्रेजेंट किया था सरोजिनी नायडू जी ने, सरोजिनी नायडू जी ने विमेन सेक्शन को रिप्रेजेंट किया था। क्लियर? तो अब लगा दो आंसर क्या बनेगा, पहले बनेगा तीसरा, फिर दूसरा और पहला, तीसरा दूसरा पहला, डेट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3-2-1 इज द करेक्ट आंसर, 3-2-1। क्लियर हो गया आप लोगों को आंसर नंबर सी? चलिए जी, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट बताइए। यस, लीडरलेस मूवमेंट थी, वायलेंट मूवमेंट थी, क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। अगला पॉइंट देखिए जी, यस, क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर में एक राजा हैं, तो इनकी इसलिए स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला पॉइंट है द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। देखिए जी, जो टैक्स रेट था, टैक्स रेट वो फिक्स था,
वो लेते थे 1/3 से लेके 1/6 1/3 से लेके आपका 1/6 तक जो है आपका टैक्स लेते थे। एंड ऑब्वियसली बात है डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, जिस तरीके की भूमि होती थी उसी तरीके का वो टैक्स लेते थे। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, जिस तरीके की भूमि उस तरीके का टैक्स, पॉइंट नंबर वन इज द राइट वन। प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्री टैक्स, बिल्कुल जो प्राइवेट ओनर्स है वो भी इंडस्ट्री टैक्स पे करते थे, तो इसका आंसर क्या बनने वाला, सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी प्राइवेट ओनर्स है वो आपका टैक्स भरते थे, बिल्कुल सही। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। यस बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट वन, बोथ वन एंड टू, बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कृष्णदेव राय जो है इनके लिए एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, दैट इज अमुक्ता माल्यादा, अमुक्ता माल्यादा, ये पुस्तक है अमुक्ता माल्यादा, एंड दिस इज ए पॉलिटिकल पॉलिटिकल बुक एक्चुअली। ये कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में लिखी गई है कृष्णदेव राय जी द्वारा। चलिए जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। यस बिल्कुल, हरिहर एंड बुक्का ने बनाया था विजयनगर एम्पायर, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे था, बिल्कुल सही, कर्नाटक में है आपके। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ द एंशियंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है पुष्यमित्र शुंग, जो के कमांडर इन चीफ थे किसके, बृहद्रथ के। ये बृहद्रथ कौन है, लास्ट मौर्य किंग। बृहद्रथ को मारा किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, और अपना वंश स्टार्ट कर दिया, क्या आंसर, शुंग वंश स्टार्ट कर दिया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्रम, जिसकी लव स्टोरी है मालविका के साथ, एंड दैट इज द मालविका अग्निमित्रम, और ये लिखी है किसने, कालिदास जी ने लिखी है। कालिदास जी को हम क्या कहते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कुमार संभव, क्लियर, मेघदूत, ये सारी पुस्तकें जो है किसने लिखी है, दैट इज कालिदास जी ने लिखी है। यहां पे लिखा हुआ रत्नावली, ये लिखी है हर्षवर्धन ने, हर्षवर्धन ने, और कौन सी लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका, नागानंद, ठीक है, ये पुस्तकें किसने लिखी है, दैट इज बाय द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ऊपर भी लिखी गई है हर्षचरिता, हर्षचरिता, और किसने लिखी थी, ये लिखी थी किसने, दैट इज द भानभट्ट, जो इनका कोर्ट पोएट था भानभट्ट ने। और भानभट्ट ने एक पुस्तक और लिखी है, दैट इज कॉल्ड आपका कदंबरी, कदंबरी पुस्तक भी किसने लिखी है, किसने, अगेन भानभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन के दरबार में एक चाइनीज पिलग्रिम आया था जिनका नाम था ह्यून सांग, ये ह्यून सांग इनके दरबार में आया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, यस प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, समझ आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मालविका अग्निमित्रम इज द करेक्ट वन, क्लियर, मालविका अग्निमित्र। सो गाइज, ये थे हमारे लेक्चर में क्वेश्चन, आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत दिमाग खुला भी होगा आपका, बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगी और बहुत सारी चीजें आपकी रिवीजन भी होगी होगी, क्लियर। और ऐसी क्लासेस हम लेते रहते हैं, बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 144,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स पीडीएफ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई एग्जाम है, पेपर है, आप मुझे यहाँ पे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं, 10,000 एमसीक्यू कोर्स, एंड जो टुडे क्लास, जो सारे क्वेश्चन थे मेरे पेड कोर्स से करवाए हुए क्वेश्चन थे, क्लियर। और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज यहाँ पे हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डिटेल में, प्लस यहाँ पे आपके स्पेशल फोल्डर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जो आपको डेढ़ महीना पहले एग्जाम से पढ़ के जाने ही होते हैं। मॉक टेस्ट यहां पे देखने को आपको मिलते हैं, स्टैटिक जीके भी आपको यहां पे देखने को मिलती है, और आज इसमें 10,000 में मैं 6 वीडियोस डालने वाला हूं, उसको भी पढ़ते रहना। और आज जो है इसमें डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी, अगर आप आज इस कोर्स को परचेज करते हैं 9 महीने के लिए वैलिडिटी है, और अगर खरीदते हैं तो आपको आज 1.5 साल के लिए मिल जाएगी, और ये वैलिड रहेगी 31 जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी तक खरीद सकते हैं और डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी, क्लियर। और इसमें यह कूपन कोड लगा के अपना डिस्काउंट आप ले सकते हैं। जीएस कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। अब आप इन कोर्सेज को कहाँ से ले सकते हैं,
दो जगह से स्टडी आईक्यू ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन, इसको दबाना। जीएस कोर्स आपको तीसरे नंबर पे नजर आएगा और 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको चौथे नंबर पे नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे आप परचेज करें, क्लियर। जो बच्चे आप में से यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी नया पेड कोर्स आ गया है मेरा, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। सो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करनी है सब चीजें, और आप मेरे से पर्सनली जुड़ सकते हैं कहां पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज शाम को 9 बजे, और बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, पॉलिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें, तो अच्छे से पढ़ना। सो थैंक यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, जय हिंद।